जब भी हम किसी भगत के पास जाते हैं तो हमें कह दिया जाता है कि भाई आपके घर में मसाणी क्रिया कर रखी है, आपकी कुल देवी को बंधन में ले रखा है, मसाणी क्रिया को आगे कर रखा है, मसाणी माता को आगे कर रखा है, आपके बुरे में चला रखा है, आपके ऊपर तो तामसिक क्रिया कर रखी है, आपको तो अंडे का भोग देना होगा, मुर्गा मच्छी का भोग देना होगा, जब जाके आपकी मसाणी क्रिया ठीक होगी। कहां तक आप लोग ठीक हो समझने में, और कहां तक वो भगत ठीक है जो आपको इस तरीके का कार्य करवाता है। सबसे पहले मेरा आज की वीडियो में उन भगतों से क्वेश्चन है भाई जी, जो चौराहे पे, शमशान में, या फिर माता मसाणी पे, या कहीं और मैदान के अंदर अंडे का भोग दिलाया जाता है भाई जी, मांस मुर्गी का भोग दिलाया जाता है, कलेजी का भोग दिलाया जाता है। तो मेरा भगतों से आज क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये बता दीजिए कि मां काली ने सबसे पहले अंडा कब खाया था जो आज आप अंडे का भोग दिला रहे हो। अगर आपके पास ये क्वेश्चन का जवाब नहीं है तो ये पाखंड बंद करो, हमारी मां काली पूर्ण रूप से सात्विक है और सात्विक भोग देना स्टार्ट करो। आप ये अंडे का भोग दिला के भाई मां काली को अंडे का भोग दे दो आप जब ठीक होंगे, मां काली को मुर्गा दे दो जब आप ठीक होंगे, ये बंद करो। हमारी माता, हमारी मां काली पूर्ण रूप से सात्विक है। आज मैं आप लोगों को ये सारी चीज समझा के जाऊंगा, ये सारी चीज बता के जाऊंगा। जो जो आज मां काली के भगत है, मां काली की पूजा करते हैं और पाखंडों के चक्कर में फंस के अपने घर को बर्बाद करके बैठे हैं, तो ये वीडियो अंत तक देख लेना। आप लोग मुझे ये कहते हो भाई मेरे ऊपर तो मां काली की सवारी आती है और फिर भी मेरे काम नहीं बन रहे, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, आपकी किस्मत बदलने के लिए ये वीडियो आई है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके ऊपर जो सवारी आ रही है वो सच में मां काली की सवारी है या रूप बदल के आपका कोई भ्रमित कर रहा है या आपके माइंड के साथ खेला जा रहा है। तो लेट ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपका प्यारा विकास दिया दिल्ली दरबार से, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी हमने 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रख रखा, जिसमें हम आने वाले समय में एक एनजीओ ओपन करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपनी गरीब बहनों की शादी करा सके, जो भाई रोड पे सोते हैं उनके लिए खाने पीने तक काम इंतजाम कर सके। और हाँ, साथ में अगर आप बेल आइकन भी दबाते हो तो जब जब हम लाइव आएंगे, लाइव में हमसे जुड़ के आप अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। समस्या कैसे भी क्यों ना हो, भूत प्रेत जिंद मसान कोक बंधन क्रिया बंधन व्यापार बंधन की प्रकार की आपकी दिक्कत हो तो आप हमसे लाइव में जुड़ के अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। और हाँ, व्हाट्सअप नंबर दोनों तक स्क्रीन पर दे रखा तो आप हमसे व्हाट्सअप पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो लेट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली दरबार का डंका हो, संकट की लगा दे लंका हो, दिल्ली दरबार का डंका हो, संकट की लगा दे लंका हो, दरबार निराला सारे जग ते प्यारा, सारे भूत प्रेत होवे दूर, बालाजी ऐसी कृपा कर दे जीते जी। अच्छा, आज का ना जो हमारा जमाना कलयुग चल रहा है, ये लास्ट के आप 5 से 6 साल की पुरानी बातें कर रहा हूं मैं। इसमें हुआ क्या ना कि हर दूसरे घर में मां काली खेलने लग गई, हर किसी लुगाई के शरीर पे आगे मां काली खेलने लगी, हर किसी बच्चे के शरीर पे आगे बाबा खेलने लग गया और कहते भाई हमारे शरीर पे तो बाबा आ रहा है, हमारे शरीर पे तो माता आ रही है। और वो फिर गुरुओं की तलाश में फिरते हैं और वो कोई गुरु बना लेते हैं, और गुरु बनाने के बाद फिर वो कहते भाई हम तो दरबार लगा रहे हैं, हम तो अंडे का भोग देते हैं, हम तो प्याज लहसुन का भोग दे देते हैं। अच्छा, कई लोग प्याज का भी भोग देने लग गए, आजकल लहसुन का भी भोग देने लग गए हैं कि लहसुन को इस तरीके से कर लेना, चौराहे पे ध्यान आपका ये चीज ठीक हो जाएगी, आप ये कर लेना आपकी ये चीज ठीक हो जाएगी। तो मैं आपको कुछ बातें आज समझा के चलूंगा भाई, मेरी बात समझना, मैं आपको कुछ बातें ना बिल्कुल एक्सप्लेन करके सिखाऊंगा और एक्सप्लेन करके समझा के भी जाऊंगा। पहले तो मां काली को हम साइड में एक साइड करते टॉपिक को, अब मैं बात करता हूं आपका जब जन्म होता, जब आपका जन्म हुआ, आप जब पैदा हुए थे, पैदा होने के बाद आपको यह नहीं पता था कि आपके मां बाप कौन है, आपकी मां कौन है, आपका पिता कौन है, आपकी दादी कौन है, आपका दादा कौन है, आपको कुछ भी नहीं पता था। खाली बच्चा जो पैदा होता है वो अपनी मां को पहचान लेता है और उनसे दूध के लिए वो करना था, जैसे ही मां उसको अपने गले से लगाती है वो दूध को चिपक जाता है एकदम से, बच्चे को पीना नहीं आता था दूध, पर वो मां की जो ममता है ना वो बिल्कुल बच्चे को चिपक जाती है और मां के जो होता दूध आना स्टार्ट हो जाता है और बच्चे को दूध पिलाना स्टार्ट कर देती है। उसके अलावा बच्चे को ये नहीं पता ये मेरी माँ है, बच्चे को ये नहीं पता मेरी माँ है, क्योंकि बच्चा माँ बोलने में भी टाइम लगाता है, 1 साल 6 महीने 7 महीने अट्रैक्शन बनता है। और जो पिता होता है उसको बच्चे को ये नहीं पता ये मेरा पिता है, ये मेरा दादा है, मेरी दादी है, कुछ नहीं पता होता उस बच्चे को। फिर भी वो धीरे धीरे बड़ा होता है और बड़ा होकर हम उसको खाना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, ओढ़ना सिखाते हैं, पैरना सिखाते हैं, हम उसको उंगली पकड़ के इस तरीके से आगे लेके चलते हैं ना कि बेटा अब चल तू, अब चल के दिखा, अब पापा पापा बोल के दिखा, मम्मी मम्मी बोल के दिखा, हम सिखाते हैं। तो मैं आपसे एक सबसे बड़ी बात ये पूछूंगा, आप लोग मां बाप बने हुए हो अभी, या फिर आप बनने वाले होंगे, या फिर आगे जाके आप बनोगे, ठीक है,
तो मेरी जो माता है बहने जितनी भी वीडियो देख रही है, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा इनसे है, आज आप ना तो माँ बाप हो ना आने वाले समय में हो, तो आप, मैं बताता हूं ना, आज आप माँ बाप बन चुके हो या पिछले जन्म में बन चुके हो, तो आप क्या हो भाई? माँ बाप से पहले आप क्या थे अपने बच्चे के लिए? एक गुरु थे आप। आपने उसको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, उंगली पकड़ के संसार देखना सिखाया, इन संसार की परेशानियों से लड़ना सिखाया, वो सारी चीज की। और जैसे ही बच्चा हुआ 18 साल से ऊपर हो जाता है, शादी हो जाती है, घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं भाई जी, और फिर वो जाते किसी भगत के पास। मेरी बात सुनना, मैं जो बात करूंगा गहराई की बात करूंगा, अंदर तक की बात करूंगा। और वो जाते किसी भगत के पास और भगत को जाके कहते हैं मेरे गुरु। माँ बाप के घर में इज्जत है नहीं, और उस गुरु की इतनी इज्जत करते हैं कि उसको सराखों बैठाया जाता है। अगर गुरु आ जाता है तो अपनी माँ को भी उस कुर्सी से हटा देते हैं, माँ गुरु जी आए कुर्सी दे दे। तो भाई आप एक बात बताओ, क्या वो गुरु की शक्तियां खुश होगी, या वो गुरु आपसे खुश होगा, या जिस देवी देवता की आप सेवा कर रहे हो आपसे वो खुश होगा? आज मैं कुछ अंदर तक की बातें आपको समझाऊंगा, मांस मिट्टी लसन प्याज सब कुछ आपको बस्ता के जाऊंगा, क्या चीजें आपके साथ हो रही क्या नहीं समझोगे तो सारी चीजों की। अपनी माँ तक को उठा देते उस कुर्सी से कि माँ मेरे गुरुजी आए उठ जाओ, और माँ के गुरुजी के कुछ कह दे तो माँ से लड़ने लग जाते हो, और गुरुजी कुछ कह दे तो चुपचाप सुन लेते हो। आजकल मेरी माताएं बहनें भी ऐसी है भाई, मेरी माताएं बहनें आजकल उनकी सासू उनको कुछ कह दे तो उल्टा जवाब दे देगी, और उनके कोई गुरु कह दे तो हाँ जी हाँ जी हाँ दीदी ऐसे नहीं ऐसे था हाँ जी ऐसे ऐसे। और बेशक से वो गुरु जो आपकी उम्र से छोटा है, आपसे 10 साल छोटा है, पर वो गुरु कहलाने के लायक है, आप उसको गुरु बना के बैठे हुए हो, उसकी आप डांट सुन लेते हो। पर जो आपसे 20 साल 30 साल बड़ी है, बुजुर्ग हो गई है, आज उसको आपकी जरूरत है, आप उनकी बातें नहीं सुनते, तो कहां से आप गुरु परंपरा को फॉलो करते हो भाई? कहां से आप कहते हो कि मैं अपने गुरु के लिए सच्चा हूं? गुरु आपको ये शिक्षा देता कि अपने बड़ों से उल्टा बोल के चलो, अपने बड़ों का अनादर करके चलो, या जिसने पेट से निकाला उसका अनादर करो आप, जिसने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया उसको घर से बाहर निकाल दो, या उसको खाने के लिए ना पूछो, उसको पहनने के लिए ना पूछो। किस गुरु ने ऐसी शिक्षा आपको दी है? दूसरा, पहला पॉइंट तो आपका ये था। दूसरा पॉइंट आपको मैं बता देता हूं, 100 में से 90% घरों में माता की पूजा होती ही नहीं है, माता की पूजा होती ही नहीं है। 100 में से 90% परिवार परेशान है। किसी चौकी पे गया भाई तेरे अंदर तो माँ काली आती है, दूसरी चौकी पे गया भाई तेरे अंदर तो माता मदाना आती है, तीसरी चौकी पे गया भाई तेरे अंदर तो माता चौगाना आती है। और भाई आती वो कहती है भाई मुझे तो मुर्गा दे दे मैं चली जाऊंगी इसको छोड़ के, आती कहती है मुझे तो अंडा दे दे मैं छोड़ के चली जाऊंगी, मुझे तो ये दे दे मैं छोड़ के चली जाऊंगी, ना तो मैं इसको लेके जाऊंगी ना तो मैं इसको लेके जाऊंगी ना तो मैं इसको लेके जाऊंगी, ये बात की रट लगाई रहती है। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, मेरी बात सुनना, भगत लोग यहीं से आपका फायदा उठा लेते हैं। भगत लोग कहते हैं ठीक है तेरे को भोग दिला दिया जाता है, जा तो आप उस जो सामने बैठा हुआ था जा तेरे ऊपर से आशीर्वाद दे दिया, भाई आपको गुरु बनाना पड़ेगा, आपका गुरु बनाने के बाद आपकी लाइफ में बल्ले बल्ले हो जाते हैं। अब होता क्या है, अब मेरी बात सुनना, होता क्या, जो वो नेगेटिविटी थी ना, जो माँ का नाम लेके आपके शरीर पे आ रही थी, जो कहती अपने आपको माँ काली, जो कहती थी अपने आपको माँ चौगानन, जो कहती थी अपने आपको भाई मदानन, माँ काली या माता चौगानन का नाम लेके जो आपके शरीर पे वो शक्ति आ रही थी, जो भोग ले रही थी अंडे का, उसके ऊपर उस भगत ने रख दिया हाथ। अब वो भगत चाहेगा तो आपको ठीक रखेगा, वो भगत चाहेगा तो आपको बीमार रखेगा। पहली बात सुन लेना मेरे बात, जब आप भगत से 3 या 3-4 महीने तक जुड़े रहते हो तो आप बिल्कुल ठीक रहते हो, आप भगत की वाह वाह कर देते हो, फिर कहते हो भाई हम ठीक हो गए, भगत के पास नहीं जाना चाहिए, आप अपने काम धंधे में लग जाते हो, तो उसके बाद तुरंत आपके साथ वो पहले वाला ही काम होने लग जाता है और आप भगत के पास भाग के जाते हो। मैं आपको लिख के बताता हूं, जहां पे अच्छी शक्तियां चलेगी, सात्विक शक्तियां चलेगी, अच्छी और पूर्ण रूप से आशीर्वाद के लिए शक्तियां चलेगी, वो शक्ति ना तो कभी ये बोलेगी मुझे अंडा दे, ना कह लेगी ये मुझे मुर्गा दे। अच्छा माँ काली का मैं बताता हूँ, माँ काली कहते हैं कि हम शमशान की पूजा करते हैं, माँ काली शमशान में मुर्गा मांगती है अंडा मांगती है, नहीं भाई भ्रमित हो आप, ये भक्तों के द्वारा बनाए गए रीति रिवाज है भाई कि भाई तू अंडा दे दे, अंडे में भाई वो जिंद का भोग दिलाते हैं, अंडा जो दिलाया जाता है वो मसान का भोग दिलाया जाता है, भाई जो अंडे का भोग है वो मसान का भोग दिया जाता है। क्योंकि पता क्या होता है, देवी देवता एकदम से कार्य नहीं करते भाई, पर ये जो उग्र देवता होते हैं या छोटी उसके देवता होते हैं ये एकदम से कार्य करते हैं। बाकी चलिए आज मसान को कोई अंडा देके जा रहा है, शमशान में अंडा देके जा रहा है, और दे रहा माँ काली मैं अंडे का भोग देके जा रहा हूं, क्योंकि माँ काली का नाम क्यों लिया जाता है, मेरी बात सुनना, क्योंकि शमशान की रानी माँ काली है, अगर माँ काली का नाम लेके उसमें भोग ना दिया जाएगा तो मसान की हिम्मत नहीं है वो उस अंडे के भोग को स्वीकार भी कर ले। आप भैरव का भोग देने जाते हो तो माँ काली और भैरव बाबा का नाम लेके भोग दिया जाता है शमशान में, आज महादेव का भोग देते हो तो महादेव का नाम लेके दिया जाता है, पर जब भी आप किसी मसान का दोगे जिंद का दोगे तो उसके साथ में जोड़े में आपको भोग देना होता है, माँ काली का भी साथ में। कभी भी आप देखना अंडा जब दिया जाएगा आपको कि अंडा आप दिया हो भाई जी,
तो कहता मां काली का नाम लेकर अंडा होगा वो देके आओ, आपको सीधा बोला जाएगा भाई आप ये काम कराओ, क्योंकि वो भगत आपको भ्रमित कर रहा है। वो ये नहीं बोल सकता ना भाई ये मसान का भोग दिला रहा हूं। और जब वो भगत आपको बोलेगा कि आप जब भोग देने जाओ तो मुझे बता के जाना, आप जब भोग देने जा रहे हो तो कहता भाई मसान देवता अपना भोग स्वीकार करना, तो भाई ये आपको भ्रमित किया जाता ना। मां काली को भोग क्या क्या लगता है मेरी बात सुनना, दारू का भोग जरूर लगता भाई मां काली को। वो क्यों लगता है, मां ने जब राक्षसों का वध किया था, जब मां ने दारू में पी नहीं थी अपने ऊपर खिंडाई थी भाई, अपने ऊपर खिंडाई थी। और भैरव को भी, काल भैरव जो बाबा हमारे, जब बाबा ने पाताल लोक में हमारे बाहु शक्तिपीठ उज्जैन के अंदर, जो महाकाली है उज्जैन के अंदर, तो मां को वहां राक्षसों ने नीचे पाताल लोक में ले गए थे, तो काल भैरव जो शक्तिपीठों के रक्षक थे वो पाताल लोक में गए थे भाई मां काली को लेने के लिए। मां काली को वो अपने ऊपर दारू खिंडा के गए थे ताकि वो राक्षसों जैसे दिख सके, पाताल लोक में पूरा राक्षस लोक था और वहां पे होता। फिर मां काली को जैसे वहां से शक्तिपीठ को लेके आने लगे तो मां भैरव जी ने खुद ही मां के ऊपर ऐसा उनको वो किया था भाई, स्नान किया था, पी नहीं थी, स्नान किया था। फिर मां बिल्कुल अपने क्रोध रूप में आ गई थी, उस नशे रूप में आ गई थी, और भैरवनाथ जी ने और बाबा भैरवनाथ जी ने और मां काली ने मिलकर राक्षसों का वध किया था भाई। तो ये तो भाई कहानी है आपकी, मां काली का वो पी नहीं थी, मां काली ने कभी मुर्गा नहीं लिया। कई लोग कहते हैं कि भाई हम गुरु गोरखनाथ जी की वो पढ़ते हैं, नाथ संप्रदाय का वो पढ़ते हैं, तो वहां पे गुरु गोरखनाथ जी के ऊपर जब मां काली को भेजा गया था तो मां काली कहती थी मैं तो इसके शिष्य की बलि लूंगी। नहीं, वो मां काली नहीं थी, ना वो आपका सारी चीज थी, वो मां काली की एक योगिनी थी, ना कि मां काली जो गुरु गोरखनाथ ग्रंथ में आप पढ़ते हो। वो आप गुरु गोरखनाथ ग्रंथ भी पढ़ लेना, उसके अंदर एक आपदम से आपको बताया गया और समझाया भी गया भाई, वो योगिनी थी। योगिनी आप खून पीती भाई, मेरी बात सुन लेना, मां काली को आप अगर भोग देना चाहते हो तो खून का छिट्टा आप भोग दे सकते हो, खून के छिट्टा, अपने शरीर का खून का छिट्टा, दूसरे के शरीर का नहीं। अच्छा एक बात बताओ, हमारा शरीर पांच तत्वों से मिलके बनता है, पांच तत्वों से मिलके बनता है, अगर हम इस दो तत्वों को छोड़ दे, जो ये हमारी खाल है इसको छोड़ दे, तो हमें कौन देख लेगा, मिट्टी तत्व जो हमारा है, तो इसको हमारे शरीर को कौन देख लेगा, कोई भी नहीं देख सकता भाई। अरे एक बात बताओ, जो हमारे शरीर के भीतर आत्मा, जो आज हम मां की नाम लेते हैं, भगवानों का नाम लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्या वो हमारी आत्मा नाम ना लेती होगी, लेती होगी ना, और वो हमारी आत्मा भगवान से कनेक्ट नहीं होती होगी। हम ये तो वही शरीर तो बाद में कनेक्ट होता है, आत्मा तो पहले कनेक्ट हो जाती है, तो वो आत्मा मरने के बाद भी कुछ आत्माएं भगवान की शरण में चली जाती है। जो दुष्ट आत्माएं होती है, जिन्हें जीते जी ना कभी भगवान का नाम लिया ना कभी कुछ किया, वो आत्माएं शैतान बन जाती है, कोई प्रेत बन जाता है, कोई भूत बन जाता है, कोई जिन बन जाता है। अब भाई खाने के लिए तो सबको चाहिए, आजकल भाई आप देखते होंगे भाई उस लुगाई ने फांसी खा ली, उस लुगाई ने ये कर लिया, उस लुगाई ने ये कर लिया, क्योंकि उनके बस की भगवान का नाम लेना नहीं था। अब वो फांसी खा लेती है, अब मरने के बाद सोचती है भाई मेरी उम्र तो पूरी नहीं हुई थी, अब मैं करूं तो करूं क्या। अब वो आप जैसा हुआ शरीर पकड़ लेती है, और आप जैसा हुआ शरीर पकड़ने के बाद वो बाल घुमाने लग जाती है और जीभ निकालने लग जाती है, भाई मैं तो मां काली हूं और मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। अब वो मां काली का नाम लेके आपके शरीर पे आने लग जाती है, आप मानने लग जाते हो, कहती है भाई मुझे भोग दे दे, आप भाग के भोग भी दे के आते हो। कभी वो अंडे का भोग मांगेगी तो कभी किसी चीज का भोग मांगेगी। जो जीतते जी लेडीज यार मेरी बातें, मैंने दारू पीती थी, और आजकल भाई बंदों से लड़ाई हुई जब हाथ काट लिया, किसी की शादी नहीं हुई जब हाथ काट लिया, मेरे पास दुनिया भर की कोस आती है भाई। मैं तो आज के बाद आपको भी बताता हूँ भाई, जो मेरी माताएं बहने या मेरी बहनें ज्यादातर खासकर कहती है भाई मेरा बंदा भाज गया, मेरे बंदे को मिलवा दो, मेरा बंदा ही होगा। मेरे भाई भी जो भाई मेरे बंदी भाज गई मेरे, मैं आज के बाद बिल्कुल फोटो डालना आपका स्टार्ट कर दूंगा, जो ये हरकतें करेगा भाई ये लड़का है और इस लड़के को कर रहा है, जिसकी भी फैमिली वाले अपने आप देख लो, मैं ये कार्य नहीं करता और ना ही मैं करूंगा भाई। तो मैं आज के बाद फोटो डालना स्टार्ट कर दूंगा, जो भी मुझे इस तरीके का सारी चीज करा, पहले तो मंगाऊंगा प्यार से फोटो, ठीक है भाई फोटो भेज दो, उसके बाद फोटो अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो कल को मुझे ब्लेम करो, मैं बिल्कुल अपनी वीडियो में क्लियरली कह रहा हूं, तो ये काम अपने आप देखो। आजकल लड़कियां वो खा लिया, अब भाई जीते जी तो कुछ हो नहीं पाया, मरने के बाद अब भाई भूख तो सबको लगती है, आत्मा हो या भगवान हो या शरीर हो, कुछ भी भूख तो सबको लगती है। अब आत्मा को भूख लगेगी तो किसी ना किसी का शरीर पकड़ेगी, अशरीर पकड़ेगी तो आप जैसे शरीर में आके खेलेगी। भगत लोग करते हैं इस चीज का फायदा, ओहो आत्मा है, क्योंकि आत्मा कभी भी आपके काम नहीं बना सकती भाई, मेरी बात सुना, आपके काम बना सकते पितर, वो क्योंकि पितर योनि में गए हैं, भगवान विष्णु की शरण में हो गए, विष्णु जी के आशीर्वाद से वो आपका कार्य करते हैं। पितृ देवता आपकी कुलदेवी, कुलदेवी हर एक समाज की कुलदेवी है, हर एक एक एरिया की कुलदेवी है, कुलदेवी आपके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा कुलदेवता, कुलदेवता के बिना आपका वंश आगे नहीं बढ़ सकता ना, कुलदेवी के बिना आपका वंश आगे बढ़ सकता, आपके प्रॉपर्टी में हो या वह किसी भी तरह का आपका काम धंधा हो वो आपका पूरा नहीं हो सकता। इष्ट देवता आपके हिसाब से है भाई, जो आप मानते हो सारी चीज करते हो, और जो भाई किसान लोग है मेरे माताएं बहने, उनके लिए क्षेत्रफल देवता उनका कार्य करता है कि किसान की फसल ज्यादा नहीं हो रही या कम हो रही है, जैसे ग्राम देवता हो गया, दादा खेड़ा महाराज हो गया, या क्षेत्रफल देवता हो गया, वे कार्य करते भाई, क्षेत्रफल को अनाज का भोग लगाओ या उनका वो करो, उनका कार्य प्रगति पे होता भाई।
पर हम लोगों को आज के टाइम में भक्ति करने का तरीका ही नहीं पता। भगत सोचता कि मैं भक्ति कर रहा हूं तो मेरे खिलाफ कोई दूसरा खड़ा ना हो जाए, कोई दूसरा मेरे अपोजिट ना आ जाए। वो आपको भ्रमित रखता है, ठीक है तेरे अंदर तो माता आ रही है, तेरे अंदर तो ये आ रहा है, तेरे अंदर तो वो आ रहा है। अगर ठीक है भगत ने इलाज कर दिया, पहली बार में इलाज ना हुआ तो क्लियर बोलो भाई अभी इलाज नहीं हुआ, अब इसका ये और चीज होगी तो क्लियर बोलो ना, अगला वाला भी एक ये रहे हाँ भाई इलाज चल रहा है मेरा। पर भगत लोग ये सोचते हैं भाई अगर मैं इसको बोल दूं अभी तेरा इलाज नहीं हुआ, अभी तेरे को महीना लगेगा, 10 दिन लगेगी या 15 दिन लगेगा, क्योंकि तेरा मंत्र जाप भी कर रहे, तेरे शरीर से ऊर्जा भी निकाल रहे, तेरे शरीर को खाली भी कर रहे, एकदम से तेरे को खाली करूंगा तो नुकसान हो सकता है। भगत ये चीजें ना बोलने के बदले भाई उसी नेगेटिविटी पे हाथ रख देते हैं और उनको भ्रमित कर देते हैं, भाई तेरे अंदर मतो माँ काली चल रही है, तेरे अंदर तो भैरवनाथ चल रहे हैं, और वो आएगा भी भाई भगत के। अच्छा एक बात, नेगेटिविटी है ना बहुत तेज होती है। अच्छा एक बात बताओ, जब आपका लड़ाई हो रही है मौत के चलना, आपकी एक लड़ाई होगी, आपकी गांव में लड़ाई होगी आपके चाचा से आपके ताऊ से, आपको ये लग रहा है कि भाई आपका ताऊ है ना बहुत हैवी है और वो आपको है ना कुछ दे देगा, अगर उसकी हम चमचागिरी करेंगे तो, चमचागिरी हम ताऊ की करेंगे तो वो हमें कुछ ना कुछ दे देगा, तो वो जो कमजोर परिवार है वो क्या करेगा अपने ताऊ की चमचागिरी में लग जाएगा। जैसे ताऊ बोलेगा वैसे करेगा, ताऊ बोला जा खेत में चला जा खेत में चाय दिया, वो जो हल्का परिवार है वो करेगा भाग भाग के करेगा भाग भाग के, हमारे समाज की सच्चाई है। तो इसी तरीके भूत प्रेत होते हैं भाई, जी जिंद मसान होते हैं, जो हल्का हो गया एक देवता भगत के पास जरूर होता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं जो उनकी करते हैं, तो वो दो ठाडा देवता ना उसके नीचे उन भूत प्रेतों को कर देते हैं। अब वो भूत प्रेत हां जी महाराज जी हां जी ये सारी चीज वो करवाते हैं और वो आपके शरीर में देवता का नाम लेके चलने लग जाते हैं। आपको एक चीज मैं क्लियरली बता देता हूं, ज्यादातर लोग वो बर्बाद हो रखे हैं जिसने कोई भी देवता किसी भगत के उसमें ले रखा हो। अगर आप बात सोचो मैं भगत के पास गया और भगत के पास जाते मेरे अंदर देवता खेल जाए तो आपकी जिंदगी वहीं से बर्बाद होनी स्टार्ट हो जाती है। हाँ भगत के पास गए आप पर उसके 6 महीने 7 महीने बाद आपके शरीर में अपने आप ही देवता आगे खेलने लग जाए अपने आप ही, तो वो देवता जिंदगी भर आपका साथ देगा। तो इन चीजों का ख्याल रखना। मैं थोड़ी ना इलायची खा रहा हूं, इलायची क्यों है भाई वो मैं बताऊं, मैंने ना सिगरेट क्विट कर दी और जब से सिगरेट क्विट की है ना मेरे हो लिए 24 घंटे और सिगरेट क्विट की है जब से भाई माइंड है ना बिल्कुल अलग अलग चीजें हो रही है, अलग अलग सारी चीजें हो रही है, सिगरेट बहुत ज्यादा हो गई थी और मैं अब क्विट कर रहा हूं तो 24 घंटे हो गए माइंड बिल्कुल डाइवर्ट हो रखा मेरा। और मैं अभी वीडियो के लिए आया, सारी चीज आपके लिए बताने के लिए आया, अरे ना अलग अलग एक्सपीरियंस हो रहा है। पहली बार सिगरेट क्विट कर रहा हूं तो देखने को, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी हर एक चीज में। आज मैं सिगरेट छोड़ रहा हूं तो किसी ना किसी चीज के लिए छोड़ रहा हूं। अब जो मुझे बीच में इसकी तकलीफ होगी भाई, मन सिगरेट पीने का मन करेगा, गुस्सा चढ़ेगा, चिड़चिड़ापन आएगा या फिर इरिटेट होऊंगा, तो ये तो एक है ना स्वाभाविक से काम है भाई जी। जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं तो हमारे शरीर के जो सिम्टम है ना वो एकदम चेंज होते हैं। उसी तरीके जब आपके अंदर से नेगेटिविटी निकलेगी, सारी चीज निकलेगी ना, तो थोड़ा बहुत तो घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ता ही है भाई। आप किसी चीज को बाहर निकालो, अगर आज मैं आपके घर में आके आपको लात मारूं और मैं बोले चल निकल यहां से, आप निकल थोड़ी जाओगे, आप उल्टा मुझसे ही लड़ोगे कि आप मुझे होते कौन घर से निकालने वाले, मेरे घर से निकालने वाले। तो वही काम है भाई, थोड़ा जब आप नेगेटिविटी के साथ छेड़छाड़ करोगे, निकालने की कोशिश करोगे, थोड़ा बहुत तो चिड़चिड़ापन आएगा भाई, बिहेवियर में भी आएगा, सारी चीजों में आएगा। पर जो देवता जब अपने खुशी से आके आपके शरीर पे खेलेगा ना, वो देवता जिंदगी भर आपका साथ देगा। किसी भगत के द्वारा लिया गया देवता या दिया गया देवता आपका जिंदगी भर साथ नहीं देगा, जैसा भगत बोलेगा वैसा ही वो आपके साथ करेगा। आशा करता हूं जो आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में बता के जाना किन किन के साथ ऐसा हो रहा है कि भाई आपके शरीर में माता आती है और आपके काम नहीं बन रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर अपनी हाजिर लगा के जाना। मिलते एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय के साथ, जब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव, हर घर महादेव।